यह एक बहुत बड़ा मजाक है मुंबई वासियों के साथ में। आपको एक बताना चाहूंगा, 22 वर्षों से किसकी सत्ता रही है मुंबई महानगर पालिका में? शिवसेना भाजपा की। आज तक क्यों नहीं किया? अब चुनाव आए तो यह नए नए जुमले देने का एक प्रकार है। देखिए, आवास, चिकित्सा, ये हमारे लोगों की, जो भी हम इंसान हैं, उनकी प्राथमिक आवश्यकता है। और अगर हम आवास पे, यानी कि रेजिडेंस को अगर हम टैक्स फ्री करते हैं, तो इससे जो लोअर मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है, उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है। दवा का किया है वो तो काफ़ी अच्छा है। गरीब लोग को दवा के लिए प्रॉब्लम होता ही है, ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन जो फ्लैट के लिए किया है, उससे गरीब लोग का तो किसी का 500 फुट का फ्लैट है ही नहीं। उसके लिए जो SRI स्कीम का काम जल्दी करे तो बहुत अच्छी बात है। वो तो इतने साल से मतलब सत्ता में, BMC में तो है वो, मतलब, और अब तक तो कुछ हो नहीं पाया। अब इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको अभी याद आई है कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए पब्लिक के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि होगा। खाली ऐसे खाली बोल बच्चन दे रहे हैं, ऐसे बोले तो मुंबई भाषा में तो बोल बच्चन ही दे रहे हो।